औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 11 और सफ़र नंबर 59 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद माहौल और सफाई के बारे में पढ़ेंगे। आपने ये सफ़ा खोला और देखा यहाँ पे कितना खूबसूरत मंज़र है। आपको ये मंज़र क्यों इतना खूबसूरत लग रहा है आपको पता है? क्योंकि यहाँ पर सफाई है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर सफाई कितनी है, इसी वजह से हमें ये मंज़र खूबसूरत लगता है। जब भी आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर दरिया, नदी, नाले या कोई और आपकी तफरीक का मुकाम हो, तो वहाँ पर आप कोई भी चीज़ खाकर ना फेंकें बल्कि उसे कूड़ेदान में डालें। इससे माहौल साफ़ रहेगा और वो जगह भी आपको खूबसूरत नज़र आएगी। अब हम सबसे पहले इस सबक पर मौजूद ख़ास अल्फाज को पढ़ते हैं। ख़ास अल्फाज क्या हैं? खूबसूरती, शादाब, चश्मे, नेमतों, खुशगवार, पकीज़ा। सबने मेरे साथ पढ़ा? वेरी गुड। अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे और सबने मेरे साथ दुरुस्त तलफ़ुज़ से पढ़ना है। माहौल से मुराद जिस जगह हम रहते हैं उसके इर्द गिर्द पाए जाने वाली तमाम चीज़ें, जैसे इंसान, हैवान, चरिंद, परिंद और बेजान चीज़ें, सब माहौल का लाजमी हिस्सा हैं। अल्लाह ताला ने ये दुनिया इंसान के लिए पैदा की है, फिर इसे सजाने के लिए आसमान पर सूरज, चाँद और सितारे बनाए और ज़मीन की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, सरसब्ज़ शादाब वादियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के फलदार दरख्त, रंग बिरंगे फूलदार पौधे पैदा किए। ठंडे और मीठे पानी के चश्मे, खेतों को सैराब करने के लिए नदी, नाले, दरिया और समुंदर बनाए। इंसान को अल्लाह ताला की दी हुई इन सब नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। ये चीज़ें इंसान को बेशुमार फ़ायदे पहुंचाने के साथ साथ खुशगवार माहौल भी फ्राहम करती हैं। इस पैराग्राफ में बताया क्या गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी चीज़ें दी हैं और बहुत खूबसूरत खूबसूरत मनाजिर जो हैं वो यहाँ पर मुहैया किए हैं। इनको साफ़ सुथरा रखना किसकी ज़िम्मेदारी है? हमारी ज़िम्मेदारी है। आगे हम पढ़ते हैं, इंसानी सेहत से कीमती कोई चीज़ नहीं। सेहत की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि हम अपने घरों और इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, कूड़ा बाहर ना फेंकें। इससे गलियां और बाज़ार गंदे हो जाते हैं, कूड़े पर मक्खियां बैठती हैं, जरासीम उनकी टांगों और परों से चिमट जाते हैं, बाद में यही मक्खियां खाने पीने की चीज़ों पर बैठती हैं जिससे जरासीम खाने पीने की चीज़ों में शामिल हो जाते हैं। ये चीज़ें खाकर हम बीमार हो सकते हैं। इस तरह जहां हम खेलते, पढ़ते और रहते हैं वहाँ भी गंदगी जमा ना होने दें। इस गंदगी से हम खुद और दूसरे लोग भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। माहौल पकीज़ा, साफ़ सुथरा और खुशगवार हो तो इंसान को सच्ची खुशी महसूस होती है, लेकिन अगर यही माहौल आलूदा हो जाए तो इंसान को ताज़गी और खुशी नहीं मिलती। इसमें क्या बताया गया है पैराग्राफ में कि हम जब गंदगी फैलाते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है? उससे ये नुकसान होता है कि मक्खियाँ उस पर बैठती हैं और वही जरासीम वो हमारे खाने पर जब बैठती हैं तो वो हमारे खाने में शामिल हो जाते हैं, और जब हम वो खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट में चले जाते हैं और हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, इससे हम सेहतमंद रहेंगे। माहौल को खुशगवार और पुरसकून बनाने के लिए हमें इन बातों पर अमल करना चाहिए। अपना जिस्म और लबास हमेशा साफ़ सुथरा रखें, दरख्तों की हिफाजत करें, शजरकारी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं, घरों की सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए और कूड़ा करकट इधर उधर फेंकने की बजाय उसे कूड़ेदान में ढाँप कर रखें, गलियों और नालियों में पॉलीथीन के लफाफे और कागजात ना फेंकें। इससे नालियां बंद हो जाती हैं और पानी किनारे से बाहर निकलकर गंदगी और बदबू का बाइस बनता है। हमारा फ़र्ज़ है
कि हम इन बातों का ख्याल रखते हुए माहौल को आलूदगी से बचाएं और बीमारियों से पाक साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारें। इस कहानी से आपने ये सीखा कि आपको किस तरह अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना है और इस माहौल को साफ़ सुथरा रखने के क्या फ़ायदे होते हैं। इस माहौल को साफ़ सुथरा रखने के ये फ़ायदे होते हैं कि हम बीमारियों से दूर रहते हैं और सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारते हैं। मुझे यकीन है कि आप ये कहानी जाकर अपने वालदैन और अपने छोटे बहन भाइयों और अपने दोस्तों को भी बताएंगे और उन्हें ये सबक देंगे कि किस तरह आपने अपने घर को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखना है। और आपको एक और बात बताऊं, आपने उनको ये भी बताना है कि साफ सुथरा रखने के क्या फ़ायदे हैं, ताकि उन्हें पता चले कि अगर हम साफ सुथरा रखेंगे तो इसका हमें ही फ़ायदा है, हम बीमारियों से बचे रहेंगे और हम तंदुरुस्त रहेंगे। मुझे यकीन है कि आपको ये सबक बहुत अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।